नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। देश में बढ़ रहा अपराध गांधी के चरखे बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से नहीं बल्कि गोडसे के हथियार से ही खत्म हो सकता है, ऐसा कहना है अखिल भारत हिंदू महासभा के नेताओं का। दरअसल जब पूरे देश में गांधी जयंती का जश्न मनाया जा रहा था तो मेरठ में के अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कार्यालय में दुर्भाग्य दिवस मनाया गया। पंडित अशोक शर्मा पंडित जी, आज एक चैनल आपने लॉन्च किया है, क्या उद्देश्य चैनल का और नाम क्या है चैनल का? चैनल का नाम हर हर गोडसे घर घर गोडसे, और इसका उद्देश्य यह है कि सन 47 के बाद भारत में बंटवारा हुआ, सन 47 में उसके बाद गांधी जी को एक हीरो बनाकर पेश किया गया और गोडसे जी को एक विलेन बनाकर पेश किया गया। भाई एक ही बात कही कि गोडसे जी ने गांधी जी की गोली मार दी, 3 गोली मारी और गांधी जी शहीद हो गए। परंतु किसी ने गोडसे जी को नहीं सुना, 3 पीढ़ी तक ये बात दबी रही, अब 4थी पीढ़ी में आकर ये उभरनी शुरू हुई है और सोशल मीडिया पर और मीडिया पर सब लोग गोडसे जी के बारे में जिज्ञासा रखते हैं। तो हमने ये चैनल इसलिए लॉन्च कराया कि इसमें केवल गोडसे जी की विचारधारा को और गांधी जी के काले कारनामों को लोगों के सामने रखा जाए। लगातार महिलाओं का अपराध बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात की है तो उत्तर प्रदेश में तेजी से रेप की घटनाएं बढ़ रही है, क्या कहना है इसका? इसमें जो है गवर्नमेंट को जो है ये नियम बनाना चाहिए कि जो रेपिस्ट हैं अगर वो साबित हो जाता है जन श्रुति के आधार पर ही या लोगों से मिलने के आधार पर ही तो उन्हें फौरन गोली मार देनी चाहिए। मुकदमेबाजी की जरूरत नहीं है इसमें, और इसमें जो भी कर रहे हैं देर कर रहे हैं, और ऐसे केसों में फौरन जो है एकदम गोली मारनी चाहिए उन्हें।